नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे नोएडा के सेक्टर 145 के बारे में। आज मैं इस समय सेक्टर 145 में ही हूँ और काफ़ी ये प्राइम लोकेशन है। ज़्यादातर लोग इस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और इस सेक्टर में लेने की भी बात कर रहे हैं, लेना चाहते हैं, क्योंकि इस समय अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी यही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आईटी सेक्टर्स है, आईटी की कंपनीज इधर बहुत ज़्यादा आई हुई है, मेट्रो की भी कनेक्टिविटी अच्छी है, मतलब देखा जाए तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है। तो आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ सोनू सिंह भदौरिया हैं और ये प्रॉपर्टी का काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्टर का इस समय क्या रेट चल रहा है, प्राइजेस क्या है और पोजीशन मिला है कि नहीं मिला है, लोग यहाँ पर कंप्लीशन बना के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज सोनी जी से बात करते हैं। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो थोड़ा सा मुझे इस सेक्टर के बारे में बताइए और लोगों को भी जो भी डाउट्स हैं उनको एक बार क्लियर करने की कोशिश करिए कि ये जो किसान कोटे की ज़मीन है, अगर ये लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें पोजीशन मिल गया कि नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम करता हूं और बता रहा हूं इस सेक्टर के बारे में। जैसा कि अभी संजय भाई ने बताया कि ये सेक्टर नोएडा का बहुत ही प्राइम लोकेशन का सेक्टर है और आज के समय में इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड है। एक्चुअल में नोएडा में प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसे देखते हुए भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इस सेक्टर में अभी प्राइस भी लमसम औसत में है तो लोग ले सकते हैं। और पोजीशन की बात रही तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं पीछे, ये सब अथॉरिटी ने पोजीशन दे दिया है, ये जो खम्बे से गड़े हुए हैं जी जी, मतलब इस तरफ 300 प्लॉटों को नोएडा अथॉरिटी ने पोजीशन दे मतलब दिया है। खम्बे गड़ने का क्या मतलब है? ये खम्बे गड़ने का मतलब ये है कि नोएडा अथॉरिटी का जो जेई होता है, जब ऑर्डर हो जाता है अथॉरिटी से तो वो आके यहाँ पे प्रॉपर नाप तोल करके मार्क कर देता है। ओके, ये प्लॉट बाई प्लॉट सभी का मार्क कर दिया है। ओके, तो वो मार्किंग को ही हम लोग पोजीशन बोलते हैं। ओके, कुछ प्लॉट मैंने यहाँ पे देखे हैं जिसमें अभी खेती हो रही है, मतलब चारों तरफ से रोड बन गया, नाली बन गया, मतलब अभी खेती हो रही है, तो यानी कि उसमें पोजीशन नहीं जिसमें अभी खेती हो रही है उसमें अभी पोजीशन नहीं मिला है। बाकी जिसमें ये खम्भे टाइप के लगा दिए हैं इनमें सब में पोजीशन मिल गया है, जो ये लैंड खाली पड़ी हुई है इसमें पोजीशन का प्लान चल रहा है, अभी 10-15 दिन में यहाँ भी मार्किंग कर दिया जाएगा। लमसम 1000 प्लॉट का प्लानिंग है कि ये 1 जनवरी तक, जो ये 2024 की आ रही है, 1000 प्लॉट इधर वाले जो भी हैं इनमें सब में पोजीशन दे देंगे। okay. जिसमें रोड, चीबर, लाइट बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये 2-3 कंप्लीशन अभी ये करंट में ही बन गए हैं, तो लोगों ने कंप्लीशन भी बनाना स्टार्ट कर दिया। okay. ये जो सामने बने हुए हैं, अच्छा, ये जो सामने जो दो मकान दिख रहे हैं, हाँ, okay. दो इधर है, एक वो उधर भी बना दिया है, तो कंप्लीशन भी लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। okay. और अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, मेट्रो बिल्कुल सेक्टर को टच करती है और प्रॉपर आईटी चारों तरफ से सेक्टर के आईटी इंडस्ट्री से घिरा हुआ है। ये ऑक्सीजन एम्बेसी ये सामने प्रॉपर 144 में है। okay. और माइक्रोसॉफ्ट का वो सामने चल रहा है काम, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो माइक्रोसॉफ्ट का काम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। और एक्सप्रेसवे बिल्कुल सेक्टर को टच कर रहा है, सामने ही एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल सेक्टर को टच कर रहा है। और नोएडा का नया सेक्टर है तो नए प्लानिंग के साथ इसे डेवलप किया है, इसमें रोड, पार्क, पार्किंग, ग्रीन बेल्ट, ग्रीनरी, इस सबको बहुत ही सिस्टम से बनाया गया है। सेक्टर के इसी सेक्टर के अंदर ही सारी एमिनिटीज हैं, जैसे स्कूल, मार्केट, क्लब। नोएडा का ये ऐसा पहला सेक्टर है जिसमें नोएडा अथॉरिटी ने हर एक फैसिलिटी दी है। okay. स्कूल से लेके और मार्केट और स्कूल, मतलब कोई ऐसी एमिनिटीज नहीं है जो इस सेक्टर के अंदर ना दी हो नोएडा अथॉरिटी ने। okay. इस वजह से इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांड है और रेट भी लमसम 1 लाख से लेके 1,30,000 तक है इस सेक्टर में अभी लमसम इस समय रेट चल रहा है। हाँ, अभी जो रेट चल रहा है, जो भी है सब रीसेल में ही है। हाँ, मैक्सिमम जो भी प्लॉट हैं सारे रीसेल में ही हैं, सारे रजिस्टर्ड प्लॉट हैं। ओके, और लोकेशन ही बिक रहा है इसका मैक्सिमम। क्या है कि जो भी आ रहे हैं इन्वेस्ट पर्पस से यहाँ पे डेवलप, वो इन्वेस्ट पर्पस से लेके छोड़ रहे हैं और उन्हें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो आपके हिसाब से क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना चाहिए या रहने के पर्पस? रहने के पर्पस से भी ले सकते हैं, रहने के पर्पस से भी बहुत अच्छा है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है और आसपास चारों तरफ इंडस्ट्री है, तो रहने के पर्पस से भी बहुत अच्छा है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं तो उन्होंने देखा भी होगा कि कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन मिला है उन्हें और आने वाले टाइम में और अच्छा मिलेगा।
जैसे जैसे इस सेक्टर का ग्रोथ होगा, डेवलप होगा, वैसे वैसे प्राइस भी काफी इंक्रीज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक साल के लमसम में ही इसका रेट 1.5-2 तक पहुंच जाएगा पर स्क्वायर मीटर। तो रेट बहुत अच्छा यहाँ पे अप्रिसिएशन करेगा और अभी फिलहाल में कर भी रहा है, क्योंकि नोएडा में 2 लाख के लमसम रेट पहुंच गया है। मैक्सिमम सेक्टरों में 2 लाख के लमसम है पर स्क्वायर मीटर। एक यही ऐसा सेक्टर है जहाँ 1 लाख से लेके 1,30,000 तक है। तो यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्हें अच्छा उसका बेनिफिट भी मिल रहा है और मिलता भी रहेगा अभी फिलहाल में, जब तक ये प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। और सेक्टर का अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर ये जो नोएडा अथॉरिटी का प्लानिंग है, प्रॉपर बाउंड्री वाल में कवर्ड है, चारों तरफ बाउंड्री वाल के ग्रीन बेल्ट है 20 मीटर का, उसके बाद सेक्टर के चारों तरफ कहीं 30 मीटर कहीं 45 मीटर, मतलब सेक्टर के चारों तरफ मेन रोड को दिया है। तो कभी भी इन फ्यूचर में भी ये कंजेस्टेड नहीं होगा सेक्टर। क्या क्या रोड साइज क्या दिया है यहाँ पे? इसमें जो रोड साइज है 45 मीटर, 32 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, 12, और जो पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट फेसिंग है बस वही 9 मीटर रोड है। और प्लॉट साइज यहाँ पे 50 मीटर से लेके 500 मीटर तक का है। अच्छा, प्लॉट मतलब हर एक टाइप का व्यक्ति यहाँ पे ले सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो इसमें क्या सर्कल रेट अभी क्या चल रहा है? सर्कल रेट यहाँ का अभी जो है 50,050 रुपए है, 50,050 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, और अगर हम चौड़ी रोड पे लेते हैं तो इसका 5% एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर हाईवे और मेट्रो इसका अलग से ऐड होता है। ओके, तो लमसम वही 60,000 के लमसम पड़ जाता है पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो छोटे प्लॉट चूंकि आपने बताया कि 50 मीटर से लेके 500 मीटर तक का प्लॉट, तो छोटे प्लॉट चूंकि यहाँ पे सारे रीसेल हैं, तो क्या यहाँ पे हैं आपके पास? हैं छोटे प्लॉट भी हैं, कई सारे हैं, पार्क फेसिंग में भी है, नॉर्मल प्लॉट भी है। अगर हमारे व्यूअर्स आपसे संपर्क करें, छोटे प्लॉट की डिमांड करें, तो आप दिलाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो काम ही है आप लोगों के बीच में रहना, आप लोगों को मतलब सही प्रॉपर्टी रिकमेंड करना, उसे दिलाना, बिल्कुल दिलाएंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आए देखें और दिलाएंगे, उन्हें जेन्युइन प्राइस पे दिलाएंगे, जो जेन्युइन प्राइस होगा मार्केट का, कोशिश करेंगे कि वही जेन्युइन प्राइस मिले। इसमें और कुछ ऐसा कुछ तो हिडन तो है नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा है। जो लोग बेवजह की अफवाह बनाए रहते हैं कि उसमें ये है खेती हो रही है और समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नोएडा अथॉरिटी का जो प्लानिंग है, नोएडा अथॉरिटी जो रजिस्ट्री कर मतलब रजिस्टर्ड प्लॉट दे रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नोएडा अथॉरिटी की है और वो पोजेशन देगी। हाँ थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि कुछ कोविड से विलम्ब हुआ, उसके बाद फिर अधिकारियों का इधर उधर ट्रांसफर होता रहा जल्दी जल्दी, तो प्रॉपर सेटअप नहीं हो पाया। लेकिन अब अथॉरिटी प्रॉपर प्लानिंग से कर रही है और पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही इस सेक्टर को नोएडा अथॉरिटी डेवलप करेगी और जो उसका प्लानिंग है उस टाइप से इसे अच्छे बेहतरीन तरीके से डेवलप करेगी। जैसा कि सेक्टर 144 सामने आप देख रहे हैं प्रॉपर डेवलप हो गया है, ये इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, 2 साल में ये भी इसी तरह खाली पड़ा था। और बिल्कुल ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसी के जस्ट पीछे ही है, ये जस्ट बगल में ये सारा सेक्टर 144 है। और इसे मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में नोएडा अथॉरिटी ने जो भी टाइमिंग था अंडर मतलब उसे नोएडा अथॉरिटी लास्ट टाइम करके बहुत जल्दी डेवलप करा दिया। बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी रहेगी, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जैसे ही इसमें कंप्लीशन 30% भी बन गए तो इसका प्राइस आप 1.5-2 लाख पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे देखेंगे, इससे कम नहीं मिलेगा क्योंकि जिस टाइप से ग्रोथ करा रेट इसका बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी देखें तो मतलब प्रॉफिट ही है। हाँ बहुत अच्छा है और इसका प्राइस स्टेबल होने का मतलब ही नहीं, स्टेबल ही नहीं होगा। 2 लाख तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और 2 लाख तक जब तक इसका रेट नहीं पहुंचता है तब तक स्टेबल भी नहीं होगा, डे पर डे इसका रेट इसी तरह इंक्रीज हो रहा है और होता रहेगा। 1.5 साल पहले इसी का रेट 35,000 रुपया था। हाँ लमसम 40,000 से 50,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर था। मुझे खुद याद है मैं जब पहली बार विजिट किया था इस सेक्टर को तो उस समय 35,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट था, और आज के टाइम पे 1.5 साल के अंदर ही अगर आप बात करें तो इस समय सोनू जी कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपए से 1,30,000 रुपए। और इसी तरह इसका ग्रोथ होता भी रहेगा रेट, जब तक इसमें प्रॉपर कंप्लीशन नहीं बन जाते हैं, मतलब लोग नहीं आ जाते हैं 30-40%, तब तक यूं ही ग्रोथ होगा। जी जी जी, और तो मैं उम्मीद करूं कि मेरे जो व्यूवर्स होंगे अगर उनको एक छोटे से प्लॉट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ना सबके पास करोड़ों रुपए नहीं है। जी सब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बजट बहुत कम होते हैं, 50,00,000-60,00,000 इस तरीके के बजट होते हैं, तो मैं उम्मीद करूं कि अगर छोटे प्लॉट्स के अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो आप दिला देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, सोनू जी ने बताया कि अगर आप लोगों को छोटे प्लॉट्स की भी अगर रिक्वायरमेंट और इस सेक्टर में अगर आप लोग लेना चाहते हैं
तो मैं सोनू जी का पर्टिकुलर इन्हीं का पर्सनल नंबर यहाँ पर वीडियो में मेंशन करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इनका नंबर लेके आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि जो भी आप लोगों की क्वेरीज है या रिक्वायरमेंट है वो सोनू जी फुलफिल करें। बाकी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनू भाई, ठीक है, थैंक यू। तो ये है एक्सप्रेसवे जो सीधा ग्रेटर नोएडा जा रही है जेवर की तरफ, और ये है आपका सैमसंग इंजीनियरिंग, और ये है एडवेंट टावर। अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आईटी हब है, यहाँ पर जितने भी आपको टावर्स दिखेंगे वो टोटल आईटी हब्स दिखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेक्टर 145 की जो साइट है, जो 5% किसान कोटे की ज़मीन है, हम उसी को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आसपास के लोकेशन है, चूँकि मैंने बीच में कुछ भी कट नहीं किया है, मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा देखना कि यहाँ से सेक्टर 142 से सीधा अगर हम सेक्टर 145 में जाते हैं तो क्या लोकेशन होगा और आसपास की कनेक्टिविटी कैसी है, लोकेशन कैसा है, उन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चलिए एक बार हम सेक्टर 145 को देखते हैं। तो यहाँ से मात्र देखा जाए तो 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये है सेक्टर 143। सेक्टर 143 नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, और ये है डीएलएफ टावर, ये भी आईटी हब है। यहाँ से अगर हम सेक्टर 145 का अगर डिस्टेंस की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। यहाँ पे डीएलएफ आपको दिख जाएगी, एचसीएल का ऑफिस दिख जाएगा, इस बिल्डिंग में ये एचसीएल का ऑफिस दिख जाएगा। तो ये पूरा आईटी हब है, तो आने वाले समय में ये बेहतरीन लोकेशन होगा रेजिडेंशियल के पर्पज़ से। और आज के टाइम पर सेक्टर 145 बहुत तेज़ी से डेवलप हो गया, यानी कि वहाँ पर अगर मैं एक साल पहले की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर वहाँ पर सीवर लाइन बन गए हैं, रोड बना दिए गए हैं, बिजली के खंभे लग गए हैं, पोजीशन मिलना स्टार्ट हो गया है, लोग अपना कंप्लीशन तैयार कर रहे हैं। तो देखिए अब हम पहुँच भी गए हैं, ये आसपास का लोकेशन है, और ये है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्टर 144, यहीं से स्टार्ट हो जाता है सेक्टर 144। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो 144 का ये लोकेशन है, ये भी देखिए बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है, ये भी सेक्टर डेवलप हो गया है, लोग रहना स्टार्ट कर दिए हैं, ये पूरा सेक्टर 144 है राइट साइड में। और ये अगर आप टावर देखेंगे तो ये है महागुण का टावर, तो महागुण का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। और ये है कमर्शियल शॉप है महागुण का, ही है यहाँ पर मार्केट मतलब शॉप दिया गया है उस सोसाइटी के अंदर का। और यहीं से हम राइट में अब जाएंगे सीधा सेक्टर 145। तो सामने है ये सेक्टर 145, यहां से स्टार्ट हो जाता है राइट साइड में, जैसे ही हम मुड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में ये जो प्लॉट्स आपको दिख रहे हैं, खंबे दिख रहे हैं बिजली के खंबे, यह है सेक्टर 145 का, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। और आज हम पूरा अंदर चल के देखने की कोशिश करेंगे ये सेक्टर 145 की अंदर लोग मकान बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं, रोड है कि नहीं है, बिजली पहुँचा है कि नहीं है, सीवर लाइन है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करें। तो चलिए देखिए अब हम चलते हैं और सीधा अंदर सेक्टर के अंदर अब चल के देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे बिजली के खंभे लग गए हैं, रोड बना दिए गए हैं,
और ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें खेती हो रही है, यानी कि ये खेती हो रही है, तो यानी कि अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया है इस ब्लॉक में। और आगे हम चल के देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी पोजीशन नहीं मिला है, लेकिन कुछ कुछ ब्लॉक में पोजीशन दे दिए गए हैं। तो पूरा ये आप देखें, ये देखें, इधर अगर ये देखिए इसमें पोजीशन मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे डिमार्केशन हो गया है, मतलब खंभे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीशन भी बनाए गए हैं, मतलब इनको पोजीशन मिल गया है और इनको कम्प्लीशन भी बना दिया गया। देखिए ये अपने प्लॉट पे इन्होंने कम्प्लीशन कर दिया है, तो यानी कि यहाँ पे लोग अब अपना कम्प्लीशन तैयार कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये सेक्टर है, और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।